सर आप आज ये सारे बैग्स लेके बाहर क्यों खड़े हैं धरना लगा के? सर हम कल से यहाँ पर आए हुए हैं और हमें कल से अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। हमारे सारे बैग होटल वालों ने निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। कल भी हमें रात को 12 बजे रूम मिला था, आज फिर हमारा सारा बैग निकाल के बाहर फेंक दिया। सभी बच्चे रोड पे हैं, ना हमें खाने को मिल रहा है, ना हमें रहने के लिए यहाँ पे घर मिला है, रूम मिले हैं अभी तक। हम बताओ कहाँ जाए? यहाँ की विंटर गेम की जो ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से बात करें, यहाँ के गवर्नर से बात करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखे यहाँ पे सब खड़े हैं, लड़कियां भी बाहर खड़ी हैं, लड़के भी बाहर खड़े हैं, बताइए हम कहाँ जाएं? आप यहाँ करने क्या आए थे? हम यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, विंटर गेम खेलने आए हैं और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हुई है इससे पहले, आने से पहले, कि हमारा वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना आए हमें रहने के लिए। बट आने के बाद यहाँ पे ना तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई सुविधा मिल रही है। हम पैसे खर्च के ग्राउंड तक आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, और जब होटल गए हैं पैसे खर्च के, वहाँ से भी बैग हमारे बाहर फेंक दिए गए हैं। आप यहाँ गेम खेलने आए हैं? जी जी सर, हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम खेलने आए हैं। और कौन कौन सी टीम यहाँ खड़ी है? यहाँ पास से भी नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई कर्नाटका से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई हरियाणा से आया है। बताएं हम कहाँ जाएं अभी? आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? 2 दिन हो गए परेशान होते हुए। पहले हमें टनमर्ग में रोका गया, फिर यहाँ गुलमर्ग में लेके आए। उसके बाद गुलमर्ग में हमें रात को 12 बजे होटल मिला कल, आज फिर उन्होंने निकाल दिया। अब हम होटल में गए, होटल वाले बोले दूसरे होटल में, हमें बताया गया कि भाई दूसरे होटल में चले जाओ। उसमें गए, वहाँ पे हमें, वहाँ से हमें निकाल दिया गया, बोले यहाँ बैग मत रखना और न खाने की अच्छी सुविधा है। यहाँ पे टेम्परेचर -7-8 डिग्री चल रहा है। अब देखिए बताइए हम बच्चों को लेके कहाँ पे जाएं? और है इसका जवाबदारी कि यहाँ पे कोई जवाब दे हमें। आप कहाँ से है जनाब? हम राजस्थान से है जी। आपको भी सेम सेम कंडीशन हो रही है हमारे साथ भी, हम बाहर खड़े हैं, भयंकर ठंड हो रही है, हमारे पास बिल्कुल भी सुविधा नहीं है यहाँ रहने की। ठीक है ठीक। कर्नाटक से आए तो ये हमारा थर्ड ईयर है, फर्स्ट 2 ईयर से डेफिनेटली बहुत अच्छा गया, ये थर्ड ईयर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमको मालूम ही नहीं हो रहा है। तो कुछ अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर, तो कुछ डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ कोई पर्सन तो कंसर्न पर्सन एक बंदा इधर आ गए तो अच्छा रहेगा, विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन डू दैट। आप सब देख सकते हैं यहाँ खेलो इंडिया का इवेंट चल रहा है और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं।